हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आरओ के बाउल के लिए और आप घर पे आरओ की सर्विस कैसे कर सकते हो। उसमें आने वाले कौन से पार्ट्स, उसमें आने वाले मेजर पार्ट्स में होता है, अगर आपको सर्विस करनी तो हर 3 महीने में एक फ़िल्टर चेंज करना होता है, जिसको सेंटीमेंट फिल्टर या पीपी फिल्टर भी कहा जाता है, उसको स्पंज फिल्टर भी कहा जाता है। वो होता है प्राइमरी फिल्टर होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, पानी में आने वाली फर्स्ट जो भी मिट्टी होती है, कचरा होता है, बड़ा बड़ा जो कचरा होता है वो सारा वहाँ पे स्टॉप हो जाता है और वो आता है स्पंज का बना हुआ आता है। वो इस टाइप का आता है, देखिए जो स्पंज है, जो रू टाइप बना हुआ है, हार्ड है, जिसको पीपी फिल्टर कहा जाता है। उस पीपी फिल्टर कहाँ लगेगा, तो वो इस बाउल में लगेगा, ये जो बाउल है इसमें लगता है वो, और इस बाउल के ऊपर ये रिंग आती है। अगर कई लोगों को क्या होती है, कंप्लेन होती है कि भाई हमारे पानी, खुद ही आप घर पे सर्विस करोगे अगर ये रिंग डालना भूल जाओगे आप, ये जो ब्लैक कलर की रिंग है गिर जाती है, अगर वो डालना भूल जाओगे आप तो आपका पानी क्या होगा, लीकेज करेगा, क्योंकि अगर ये प्रॉपर नहीं बैठेगी तो इसमें लीकेज होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सर्विस करनी है तो ये आता है इसके अंदर, ऐसे ऐसे अंदर रख देना है, सिर्फ रख के इसको ऐसे टाइट करना है। देखिए ये होल है, ये क्लॉकवाइज फुल टाइट हो जाएगा। ऐसे फुल टाइट उसको कर देना है। पहले क्या करना है, उसको ऐसे टाइट करना है, थोड़ा सा ढीला रखना है। आप जैसे ही पानी लगाओगे यहाँ से एयर बबल्स निकलेंगे और पानी निकल जाएगा, जैसे सारा पानी निकल जाता है उसके बाद आपको उसको ऐसे फुल टाइट कर देना। ये क्या होगा, आपका हो गया सर्विस। अगर 3-3 महीने में आपको सर्विस करना ही है, तो अगर कोई टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है आरओ का और आपके 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, पानी काफ़ी गंदा आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो आपका ये फ़िल्टर ब्लॉक होगा जिसमें काफ़ी मिट्टी और गंदगी जमा हो गई होगी। उसको साफ़ करने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि ये ऐसे लगा हुआ होगा दीवार पर आरओ के पास में। अब उसको कैसे खोलेंगे हम लोग, तो उसको खोलने के लिए हम लोग करेंगे, ऐसे ऊपर से पकड़ेंगे और उसको नीचे का जो हिस्सा है उसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज खोलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज जब हम उसको खोलेंगे तो उनको ऐसा एक डिज़ाइन दिखेगा, उसको ऐसे निकालना है और जो स्पंज है उसको नया ऐसे रिमूव करना है। इस बाउल को वॉश कर देना है, लेकिन अगर वॉश करते टाइम अगर आपका ये रिंग है ब्लैक कलर का अगर निकल जाएगा तो आप कितना भी टाइट करोगे पानी लीकेज करेगा। तो आपको खास ध्यान रखना है कि आप जब भी स्पंज फिल्टर या आरओ की सर्विस खुद ही घर पे कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसको ब्लैक रिंग को लगाना ही लगाना है। जैसे कि अगले वीडियो में, इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें उस पाइप को कैसे कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट करना है आरओ की पाइप को, वो हमने बताया था। ये बार हम लोग बता रहे हैं आपको पाइप निकालने के लिए, ये जो बटन है रिंग उसको पुश करना है, फिर खींचना है, और लगाने के लिए उसको पुश करना है और लगा देना है। तो इस तरीके से आप आरओ की पाइप को रिमूव कर सकते हो। बाउल निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसको ऐसे खोल लोगे, खोलने के बाद स्पंज फिल्टर रहेगी उसको चेंज कर दोगे और रिंग रहेगी उसका खास ध्यान रखना है। इस तरीके से आप उसको वॉश करके लगा भी सकते हो और ये 3-3 महीने में आपको करना है। अगर कोई टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है आपको, या आपका कहीं पे आरओ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आपको घर से ही सर्विस करनी है, लॉकडाउन आया कोरोना, तो आपको कहीं पे भी कोई भी आरओ वाला के वहाँ जाके ये फ़िल्टर ले आना है, जिसकी जो कीमत है उसकी ज़्यादा नहीं होती, 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का होता है अच्छी क्वालिटी का। अगर लोकल क्वालिटी का लेने जाओगे तो 50 रुपये का होता है। तो आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिए, जो 3 महीने में एक बार आपको चेंज करना है, अगर लोकल क्वालिटी होगा तो 2 महीने में चेंज करना है। तो ये था आरओ का बाउल और ये था हमारा वीडियो आज का। लास्ट टाइम जो वीडियो था वो पाइप निकालने के लिए था, इस तरीके से पुश करके पाइप को खींचना है, निकल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आया है ये बाउल में आरओ की सर्विस कैसे करें घर पर, उसके लिए था। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो धन्यवाद, थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए।